गुड आफ्टरनून सबको। वीडियो डाल दे चाहे वो वायरल हो ना हो, कुछ भी सब्सक्रिप्शन मुझे मिल गया। मैं 23 मांगी थी तो उसमें से अभी मैं घर से निकालने से पहले देखा 33 सब्सक्राइबर हो गया। मैं ऐसे ही अनाउंस कर दिया कि 23 सब्सक्राइबर हो जाए तो मैं वीडियो पोस्ट करूँगी, तो हो गया। अभी जैसे प्रॉमिस किया वैसे करना तो होगा ना, तो मैं प्रॉमिस किया है इसलिए मैं निकल गया। अभी तो बारिश भी चल रहा था, इतने देर से मैं रेनकोट पहन के आ गई। रेनकोट पहन के अभी गर्मी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मौसम भी गर्मी का ही है, तो कोई बात नहीं, प्रॉमिस किया है तो ऐसे निभाना पड़ेगा। ठीक है चलिए। तो वो चैनल का नाम तो नहीं बताया ना मैंने, इप्सी प्लस ट्रिप, ट्रिप प्लस इप्सी ट्रिप। ओके, आज कुछ खास ब्लॉग तो नहीं बनने वाला है क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं सच में इतना सब्सक्राइबर मिल जाएगा। मुझे लगा था कि मिलेगा 10-15 सारा, तो इसलिए मैं 23 बोल दी। हालांकि इधर एक झील है तो ये झील में ना ऐसा कुछ है नहीं, इसे हम लोग खेड़ी बोलते हैं। तो जाके वो लोकेशन दिखाती हूँ आप लोगों को। वो लोकेशन अगर आप लोग कभी ढूंढ ढूंढ के आ गए ना तो सच कसम खा के कहती हूँ, आप बार बार आने के लिए बोलोगे। टैक्स तो भरती हूँ, रास्ता ऐसा है तो फिर टैक्स क्यों लेते हो बाबा? जा ही नहीं पा रही हूँ सबसे, मतलब देखो 30 से ऊपर नहीं जा रही हूँ। आगे GPS लोकेशन डाल दूँगी, लोकेशन डालने से क्या होगा, आप लोग वो लोकेशन यूज़ करके आप लोग अपने तरह से खुद से इधर आ पाओगे। ठीक है, ये मुझे भी इतना अच्छे से पता नहीं कि रोड कैसा है, कैसे जाना होगा, मुझे तो पूछ पूछ के जाना पड़ेगा, पता है। अब हम लोग आ गए हैं, यही है वो ढालीपाड़ा झील। ये कहाँ गए हम? लोकेशन देखो बस बाबा, बढ़िया। इधर आई इसलिए कि यहाँ पे थोड़ा नज़रिया आप लोगों को दिखा दूँ। ये जगह अच्छा है, मुझे लगा अच्छा, सब कुछ अच्छा है, पर बात एक ये है कि इधर इतना 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 आदमी रहता है ना। तो बस आज प्रॉमिस किया है कि मैं आज वीडियो डालूँगी, इसलिए बस इतना सा कहने के लिए मैं आज आ गई। वीडियो शूट करने के लिए शूट करूँगी, घर जाऊँगी, एडिट करूँगी, फिर पोस्ट कर दूँगी। पता है मुझे बुद्धिमान कौन लगता है? जो पानी में से चल के जाते हैं और जो लोग बाइक या साइकिल लेके जा रहे हैं उन लोगों को मतलब सूखा हुआ जगह देते हैं ताकि वो ऊपर से भींगे ना। मतलब वो बादल छाया हुआ है, बस कितना बज रहे हैं अभी से इतना बादल क्यों? मैं इधर यही बोलने के लिए भूल गया था, ये मेरा एवेंजर 160 है। अभी बस नया नया BS6 वाला मॉडल लिया है, इसका नाम मैंने रख दिया है कैस्पर। पूरा कीचड़ मचा हुआ है, ठीक है बाद में फ़ोटो दिखा दूंगी। इसका नाम रखा है कैस्पर, इसके साथ मैं घूमती हूँ और इसी के भरोसे मैं चलती हूँ। अभी तक तो अच्छा सर्विस दे रहे हैं, नया बाइक है, कुछ इश्यूज नहीं है अब तक। गाड़ी बस इतना सा चला है, ये 5808 इतना सा। इसी में मैं निकल पड़ी व्लॉग बनाने के लिए, इससे पहले कोई भी गाड़ी में नहीं चलाई, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं कभी नहीं गई। चलो इश्किल लड़ाए, चलो इश्किल लड़ाए, चलो इश्किल लड़ाए। मतलब ये बारिश मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पानी के नीचे कहीं पे भी गड्ढा है तो मुझे समझ में ही नहीं आते, मैं गुदुम गुदुम करके जाती हूँ। वह पर चक्कर लगाने के लिए गई थी। आप लोग आने की कोशिश करना अपने प्यारे 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 दोस्त के साथ, मतलब कपल्स में या कुछ भी, तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बाकी आप लोग सोचो। अभी बारिश क्यों स्टार्ट हो गया, मैं भीग रही हूँ, इतना सा पेड़ के नीचे कैसे कौन रुक सकता है। हेलो मेरे दोस्तों, बारिश से जय हिंद दोस्तों।
जय हिंद दोस्तों वाला। हम लोगों को कैसा लग रहा है इसके अंदर? बस बारिश से बच रहे हैं, कोरोना का हाल में और क्या करें, बारिश में भीगने से अच्छा तो बचना है। तो ये कहाँ जगह मिला? ये पाइप के अंदर वाला मिला है। कहाँ लेके जाती है ये टनल? पहाड़ जाती है पाकिस्तान, यही रास्ता जाता है। अच्छा। सरकार को बताया नहीं है, सरकार भी जाएगा। कितने दिन में पहुँच सकते हो पाकिस्तान? बस 5 मिनट में पाकिस्तान पहुँच जाते हो? एकदम पैदल पैदल पैदल। इसके अंदर तारों के शहर में जाने के लिए इसमें एक छलांग मारिए, तारों के शहर में चल जाइएगा। ये भारतीय है, ये जुगाड़ पे ही चलता है भारत। अगर ये जुगाड़ है बारिश से बचने की, तो कोरोना से बचने का जुगाड़ क्या है? अभी बना रहे, 2-4 दिन में आएगा, रुको। बता देंगे अभी अभी एक साथ सब कुछ बताएंगे तो फिर मीडिया वाला भी भड़क जाएगा। आप लोग कौन से गोला से? जो आपको नहीं पता होगा बताएंगे अभी तो, जो सोचते रह जाओगे। आपकी गोला का नाम बता दो। नाम ही तो नहीं है ना। ऐसा करतूत हम लोग लाइफ में बहुत बार किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, तो इसमें आपको किक मिलती है? अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग को भी अंदर आना होगा। और एक बम्पर मिला। हाँ, अब इंटरव्यू लिया जाए। गुड मॉर्निंग, व्लॉग का ऐसा एंड हो रहा है क्योंकि कल बहुत बारिश हो रहा था तो मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई। और अगर आसपास में ऐसा कुछ लोकेशन है तो मुझे ज़रूर बताना। बस रिक्वेस्ट इतना है कि आप लोग थोड़ा कमेंट कर दो कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कुछ भी। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, सपोर्ट करते रहना। गुड बाय, टेक केयर।